लोगों का क्लास 12th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकर के आ चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस का पेपर, बिल्कुल 100% है विषय को, 322 देख लो, टाइम आपका 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोगों को मैं पहले ही नंबर दे दूँ, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके 9835516710 पर मैसेज करके जो ना व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस पर आपको अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स लिख के भेजना है। और आपको कॉल नहीं करना है, कॉल करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे में मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, बाद में रिप्लाई दूंगा। आगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ वो सिखाऊंगा। तो चलिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी से उत्तर बताता हूँ। पहला का नोट कर लो, पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेना, दूसरा का जो है ऑप्शन नंबर जो है मैं फटाफट से बताता हूँ, ठीक है। दूसरा का डी नंबर नोट कर लो, इसके अलावा भी फटाफट से मैं बताते चल रहा, नोट कर लो। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, और चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग इसको नहीं पता है तो इसको छोड़ देना है। और यहाँ पर देख लोगे अब 5 नंबर का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 नंबर का नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता है। जिसका नहीं पता है 25 क्वेश्चन बनाना है ना, मैं 25% का बताता हूँ, आप नोट करते चलो। यहाँ पर 6 नंबर का, 10 नंबर का डायरेक्ट नोट कर लो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच। और आगे देख लो, आगे जो है 13 नंबर, 12 नंबर है, 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी नोट कर लेना है। 14 का भी ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना डी नंबर ही नोट करना है, ठीक है, 6 वर्ष तक। 15 नंबर का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा। 16 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी होगा वेलग्रेड। और 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर नोट कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। चलिए, 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर का भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, और 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे जैसे बताते चलना नोट करते चलना। 22 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लोगे। 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। इसके अलावा 27 का आप लोग नोट करोगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहां पर जो है ना 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नंबर नोट कर लेना है। इसके अलावा है 29 नंबर, 29 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नंबर नोट करना है। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना मुझे नहीं पता, इसको छोड़ देना, वैसे 13 होना चाहिए था। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव का, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया हूँ। और सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में देखो 1 से 10 तक% 5% का जवाब देना है। ये सारा देख लो, 1 से लेकर के लगातार 5 नंबर तक % जो है इसका मैं उत्तर दूंगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है ना 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर का उत्तर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। चलिए, PDF डाउनलोड करने के लिए सीख, तो प्यारे बच्चों के डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लो। इसके बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आगे तो क्लास 12th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12th का सेशन, ये रहा क्लास 12th का सेशन, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिला इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऊपर करना है, ऊपर करोगे तो फर्स्ट इस प्रकार से आओगे नीचे, तो यहाँ देखना यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रिप्लाई तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, बट मैसेज कर लेना। ये है साइंस का सेशन, यहाँ पर क्लिक नहीं करना। नीचे आओगे तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट का पेपर का नेम है, लिंक है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का फिलहाल सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड की पर क्लिक करोगे, पेज को आते ही रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर पेज को जो है ना खींच लेना, इससे आपको आंसर की मिलेगा। पीछे का जो भी है वो गायब हो जाएगा और नया जो डाला जाएगा वो आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश करके नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर देख लो, सारे प्रश्नों का दे दिया हूँ, 300 प्रश्नों का उत्तर इसको लिख लो। इसके अलावा नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पहला का, दूसरा का, तीसरा का, उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मैं यहाँ पर दे दिया हूँ 12-13 का। तो आकर के आप लोग डाउनलोड कर लो।